नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि राम प्रसाद मीणा सुसाइड केस में धरना खत्म हो गया है। मृतक के परिजनों और प्रशासन के बीच फाइनली सहमति बन गई है। कई मांगों पर दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनी है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव वार्ता के दौरान मौजूद रहे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। किरोड़ीलाल मीणा भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दिए, धरना जो चल रहा था, छठा दिन था, अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए थे परिजन, लेकिन आज धरना खत्म हो गया है और आज अंतिम संस्कार भी हो सकता है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। राम प्रसाद मीणा सुसाइड का, आत्महत्या का जो पूरा मामला था, उस मामले में लगातार 6 दिन तक यहाँ पर आंदोलन चलता रहा, प्रदर्शन चलता रहा। मांग जो थी उन मांगों पर लगभग सहमति बन गई। उसके बाद में बताया जा रहा है कि विष्णु हमारे सहयोगी सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विष्णु, क्या मान लिया जाए, अब धरना खत्म हो जाएगा, अंतिम संस्कार कैसे ये पॉसिबल हो पाया, वो भी बताएं। बिल्कुल, ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो दो जने थे जिनकी गिरफ्तारी देवेंद्र और ललित की, वो आज पुलिस ने कर ली और उसके बाद यहाँ मीटिंग हुई है और उसके बाद चर्चा हुई है। मेरे साथ कमिश्नर है आनंद श्रीवास्तव, उनसे ले लूंगा। एक बार बताओ क्या रहा सर कुछ मीटिंग में? एक सेकंड क्या रहा? बिल्कुल, ये आनंद कमिश्नर जो थे श्रीवास्तव बोलने चाह रहे। डॉक्टर सांसद किरोड़ीलाल मीणा मेरे साथ है, वो बात कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या रहा? 5 लोग गिरफ्तार हो गए आज, वो देवेंद्र शर्मा, ललित शर्मा भी गिरफ्तार हो गए और जो बाकी मुलजिम है जिसमें महेश जोशी का भी नाम है, पुलिस उसकी जांच करेगी। उनकी कोई भूमिका है बाकी के मुलजिमों को तो वो भी गिरफ्तार होंगे। दूसरा, नगर निगम के 2 अधिकारी जिन पे दिलीप शर्मा और एक नील कमल मीणा, उनकी भूमिका भी की जाँच की जाएगी। अगर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक इनका मकान जो रोक दिया था उसका निर्माण होगा और इस हेरिटेज जो मंदिर 300 साल पुराना, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका सर्वे करके जांच करके ये इन्होंने 15 दिन का ये कागज़ दिया है। अगर ये अवैध पाया गया है तो 15 दिन में इसका ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अब अंतिम संस्कार का क्या? सुरक्षा व्यवस्था जी पुख्ता करेगी पुलिस, ये उन्होंने कहा है। और अभी ये इनको ले जाएंगे और गांव में इनका दाह संस्कार कर देंगे। राम प्रसाद गांव में अंतिम संस्कार। आपने कहा कि जो सहयोग राशि है वो सोमवार को दे देंगे। सहयोग राशि क्योंकि हम दे रहे हैं, सरकार से हमने नहीं लिया, तो हमने इनको कह दिया है आप तय कर लो पैसे को। FD, हमने FD का सुझाव दिया है तो किस किस के नाम करानी, तो मेरा स्टाफ ला के उसकी FD 50 लाख की, ये जितने की भी जाएंगे हम इनको 50 लाख सोमवार को दे देंगे। एक बड़ा मामला था क्योंकि 6 दिन से लगातार संवेदनशीलता का मामला था और आज एक निपटा अच्छी तरह। ठीक है, सरकार जो प्रशासन है अपनी भूमिका में था, लेकिन एक बड़ा मामला निपटा, क्या कहना? देखो, बड़ा निपटना तो जब माना जाएगा जब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। राजनीतिक दबाव में ये जो भूमाफिया या दूसरे माफिया, समाज कंटक किससे जो जनता त्रस्त है, अकेले जयपुर में नहीं राजस्थान में, जिसके लिए इनोसेंट आदमी मौत को गले लगा रहे हैं, वो प्रवृत्ति सरकार को प्रभावी ढंग से रोकनी पड़ेगी। बेलगाम जो MLAs का, मंत्रियों का जो अधिकार मुख्यमंत्री गहलोत ने दे दिया है, उसके कारण जनता भयभीत है, आतंकित है। आपने देखा लास्ट में उन्होंने मांग किए कि साहब हमारी सुरक्षा का क्या होगा, ये सब कुछ 6 दिन आंदोलन चलने के बाद भी वो भयभीत हैं। तो ये भय खत्म हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि ये जो लगातार जो मामला था 6 दिन से वो भले ही विष्णु, क्या विष्णु अब ये मान लिया जाए कि क्योंकि 6 दिन हो गए थे विष्णु, देखिए हमने देखा पूरा 6 दिन किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा। इस घटनाक्रम के बीच में हमने देखा तमाम लीडर्स यहाँ पर पहुंचे, कई बार मान मनोबल की कोशिशें भी हुई, जैसे तैसे पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन अंतिम संस्कार नहीं हो रहा था। तो क्या माना जाए कि इस समझौते के बाद में अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी आज के आज? बिल्कुल, अभी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि अंतिम संस्कार के लिए सबको उनके गांव ले जाया जाएगा और एम्बुलेंस कुछ देर में पहुंचने वाली है और ये जो सारा प्रोसेस है वो निपट गया। एक मिनट बात करते हैं, आंदोलन स्थगित किया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं? आंदोलन निरस्त नहीं किया, स्थगित किया है। ये पर इस जो हेरिटेज मंदिर का जो वो लुक बिगाड़ दिया है वो हटे, मूल स्वरूप में आवे। अगर ये नहीं मानी और बाकी के मुलजमों को दोषी पाए जाने पर कार्रवाई नहीं की और नगर निगम के अधिकारी जो है हम जिनको कह रहे हैं ये दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की,
तो आगे इसको आंदोलन को किया जाएगा। और अभी अंतिम संस्कार धरना खत्म और अंतिम संस्कार की तैयारी? हाँ, स्थगित करते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी उन्होंने गांव में कर ली है, एम्बुलेंस आ रही है और एम्बुलेंस को छोड़ दें गांव। एक बार इसको भी आप ले लो नहीं साले, ये बिल्कुल मैं बिल्कुल बात करवाता हूँ हेरिटेज जो निगम के कमिश्नर हैं उनसे बात करवाता हूँ कि वो क्या कुछ कहना है इस बारे में। कमिश्नर साहब, इन्होंने कुछ मांगे बताई थी कि अतिक्रमण हटा दिया जाएगा और जो अधिकारी दोषियों के खिलाफ कमेटी बैठा के जांच की जाएगी। जो मंदिर ट्रस्ट का जमीन है उसमें जो भी इसका सर्वे करवाएंगे हमें 3 रोज के अंदर, उस सर्वे में जो भी अवैध अतिक्रमण पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जैसे दोषी जो अधिकारी जो ये डिमांड कर रहे थे निगम के, जो DC दिलीप शर्मा और नीलकमल मीणा, उनके खिलाफ जांच के लिए बैठा कर क्या? दिलीप शर्मा और अपने नीलकमल मीणा है जो DC विजिलेंस है, उनके विरुद्ध जांच मुझे दे दी है, तो मैं जांच करके और दोषी पाए जाएंगे तो सरकार को कार्यवाही की सिफारिश करूँगा। बिल्कुल, आपने देखा कि ये थे निगम के कमिश्नर जो उन्होंने कहा कि दोषी जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच इनको सौंपी गई है, वो जांच को लेकर वो उन्होंने कहा है कि वो जांच करवाएंगे और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण के बारे में 3 दिन में ये पूरी तरह तथ्यात्मक जानकारी करके और उसके बाद देंगे। आप देख सकते हैं कि सुलह का रास्ता बना, यहाँ पुलिस ने जो 2 मुलजिम है जो सुबह से मांग कर रहे थे देवेंद्र और ललित, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये मामला बना और एडिशनल कमिश्नर पहले वार्ता के लिए पहुँचे कुंवर राष्ट्रदीप, और उसके बाद अंतिम वार्ता के लिए जो बातचीत हुई वो पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव यहाँ पहुँचे और उसके बाद ये बाहर निकले सभी, और उन्होंने यहाँ जो धरना स्थल पर पहुंचकर इस पूरे जो समझौता हुआ सहमति बनी उसकी जानकारी दी और उसके बाद ये धरना खत्म करने पर निर्णय हुआ। और इसको लेकर लगातार 2 पत्र उन्होंने दिए हैं निगम की ओर से कि एक तो जो दोषी अधिकारी हैं नीलकमल मीणा और साथ में दिलीप शर्मा, देखिए जाहिर तौर पर बहुत सारी मांगे ऐसी थी जिसपे सहमति बन गई समझ में आता है, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आप प्रयास करें, अगर कमिश्नर साहब बातचीत कर ले तो ये पता चल जाएगा कि अब इसके बाद में जो मांगे हैं जिसको लेकर आश्वस्त किया गया है उस दिशा में किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, क्या कार्रवाइयां उनके ऊपर मुमकिन हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, एक ये चीज। और दूसरी चीज कि कैसे उन्होंने इस पूरे धरने को जो है वो सेटल कराया, किस तरीके से धरना समाप्त कराया, किस तरीके से क्या बातचीत, मुझे वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, इफ इज इट पॉसिबल तो एक बार बात करिए। बिल्कुल, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन जो निगम के अतिरिक्त आयुक्त हैं उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि जो अतिक्रमण है उसके लिए 3 दिन में यहां पर सर्वे करवा के जांच की जाएगी। उसके अलावा जो दोषी अधिकारी हैं दोनों नीलकमल और दिलीप शर्मा, उनके भी जाँच उनको सौंपी गई है, तो वो उस जाँच को करवा कर उनके अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर यहाँ जो परिजन बैठे हुए हैं वो अब धरना समाप्ति की ओर है। एक तरह से देखे जाए तो सारे जो लोग हैं सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे हुए थे, लगातार 6 दिन से ये धरना चल रहा था, 6 दिन से सब यहाँ रखा हुआ था और अब ये धरना यहाँ खत्म हो चुका है और अब एम्बुलेंस आ रही है कुछ देर बाद और इनका उसके बाद जो इनका जो मूल गाँव है वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल जो शव है वो यहाँ अंदर डिफ्रीजर है, उस डिफ्रीजर में रखा हुआ है, बर्फ के बीच में रखा हुआ है और अब ये आप देख सकते हैं कि सीधी तरीके से जो मृतक के परिजन हैं वो किस तरह से भाव विवल हो रहे हैं, आंखें पथरा गई है रोते रोते, लगातार इनके आंसू सूख चुके हैं। जैसा कि अभी कहा था कि लगातार ये 6 दिन हो गए इनको और इसी तरह धरने पर यहाँ डटे हुए थे और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस में शव को लेकर इनके गांव लेके जाएंगे और उसके बाद इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा हैं उन्होंने साफ कहा है कि धरना स्थगित किया है, खत्म नहीं किया, यानी अगर ये जो समझौते की जो शर्तें हैं उनकी पालना नहीं होती है तो फिर धरना दिया जा सकता है। साथ ही जो समाज की ओर से या सांसद किरोड़ी मीणा की ओर से जो 50 लाख की घोषणा की गई वो सोमवार को उनके FD करवा दी जाएगी, जो इनकी बेटियां या जो भी जिसके नाम चाहेंगे। दूसरी बात, समझौते का आधार बना है एक डेयरी बूथ, जो डेयरी बूथ वहां प्रमुख जगह दिया जाएगा जहां वो चल सके वो वहां डेयरी बूथ दिया जाएगा। इसके अलावा जो इनका बेटा अभिषेक है उसको नौकरी देने की बात हुई है, फिलहाल ये टेम्परेरी बेस पर उसको नौकरी दी जाएगी निगम में और उसके बाद संविदा पर उनको दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी।
साथ ही अतिक्रमण जो मंदिर के आसपास है उसको हटाने की बात की गई है। कुल मिला के अब ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच चुकी है और कुछ देर बाद यहाँ से शव जाएगा और ये जो एम्बुलेंस है वो यहाँ से शव को ले जाकर उनके गाँव ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा और एम्बुलेंस अभी यहाँ पहुँची है और पुलिस आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको गाड़ी को रखवा रहे हैं क्योंकि जो ही एम्बुलेंस पहुंची है यहाँ पर लगातार जो परिजन है वो उनका जो अश्रुधारा 6 दिन से लगातार रुकी हुई थी, बीच बीच में चलती थी लेकिन अब यहाँ लगातार फूट पड़ी है, लगातार एक कोहराम सा यहाँ मच गया है क्योंकि 6 दिन से वो शव वहीं रखा हुआ था, न्याय के इंतजार में थे ये परिजन और आज जब न्याय मिला तो लगातार अब उसका अंतिम संस्कार यहाँ किया जाएगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए एम्बुलेंस में अभी शव रखने की तैयारी हो रही है, एम्बुलेंस यहाँ इस गेट के पास में लाया जा रहा है जहाँ पिछले उसमें शव रखा हुआ है, ये जो वो गेट है जो आप देख सकते हैं कि 6 दिन से यहाँ पर शव रखा गया और पोस्टमार्टम भी यहीं किया गया था इस पूरे शव में और जो परिजन है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाव विहोल होकर विलाप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्योंकि 6 दिन से ये केवल न्याय की आशा में थे और कहीं ना कहीं रोके हुए थे, अपने आंसू सूख चुके थे, आज जब अब ये अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं तो पूरा वो हो रहा है। दूसरी ओर यहाँ अभी शव जो है वो रखवाया जाएगा इस एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस पहुँच चुकी है और इसके बाद इसको गांव ले जाया जाएगा, वहाँ अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां कर ली गई है और वहां पहुँच कर जाएगा। आप सीधी तस्वीरों देखिए, वो बेटा अभिषेक है जो गेट के बाहर खड़ा है डबडबाई आंखों से, लगातार न्याय के इंतजार में लोग ये लोग थे और देखो देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों के जरिए कि अब वो जो डिफ्रीजर में रखा हुआ शव है राम प्रसाद का, 6 दिन से यहाँ रखा हुआ था, आखिरकार अब न्याय मिल गया और जो यहाँ आज सहमति बनी वो देवेंद्र और ललित जो इस मामले में आरोपी थे मृतक ताराचंद ने उनका नाम लिया था, उनमें आज उनकी मांग भी थी गिरफ्तारी की तो उसको जब लिया तो उसके बाद ये समझौते का आधार बना। हालांकि लगातार सांसद कोड़ीलाल मीणा कहते आए हैं कि मुआवजे को लेकर उनकी कोई मांग नहीं है, पैसों को लेकर सरकार से वो केवल न्याय चाहते हैं, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उसको लेकर यहाँ कार्रवाई की गई है। हालांकि यहाँ जब मांग उठी तो सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जो मंत्री हैं महेश जोशी उनके खिलाफ़ भी जो जांच में अगर तथ्य आते हैं तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी, फिलहाल यहाँ जो है वो सब यहाँ से ले जाने की तैयारी है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए अब इस शव को इस कोठरी से बाहर निकाला जा रहा है जो 6 दिन से इसी कोठरी में रखा हुआ है क्योंकि लगातार डिफ्रीजर में रखवाया गया, परसों के दिन यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम भी यहीं करवाया गया, SMS की जो टीम थी मेडिकल उसने आके यहाँ पोस्टमार्टम किया और अब इस शव को यहाँ पर एम्बुलेंस में रखवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के दूसरी तरफ परिजन जो है वो यहाँ पर पूरे तरह से विलाप कर रहे हैं क्योंकि 6 दिन वो केवल न्याय की आशा में थे और आज अचानक अब जब ये जा रहा है सब क्योंकि अब फ्यूनरल किया जाएगा इस शव का तो अब यहाँ पर देखने की बात होगी कि लगातार इस शव को डिफ्रीजर से लाकर यहाँ एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरों के जरिए आप कि ये जो चल रहा है वो इस तरह का चल रहा है। पुलिसकर्मी भी इस मामले में लगातार जल्दबाजी दिखा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जब मामला निपटा है तो स्थानीय लोग प्रशासन पुलिस सब ने राहत की सांस ली है क्योंकि एक संवेदनाओं से जुड़ा हुआ यह मामला था और मानवीय संवेदनाएं इसमें सबसे ज़्यादा आ रही थी क्योंकि अमूमन देखा यह जाता है कि कभी किसी की मृत्यु होती है तो आसपास पूरा जो मोहल्ला वो गमगीन होता है, यहाँ लगातार 6 दिन से शव पड़ा हुआ था तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला है। अब परिजनों की रुलाई फूट पड़ी है और अब पुलिस अंदर पुलिसकर्मी गए हैं, वो इस शव को परिजनों के साथ लेके बाहर आ रहे हैं क्योंकि पहले लोगों ने दिखाई नहीं कि हिम्मत किस तरह सब लाए। विष्णु मैं चीज समझने वाली है, आत्महत्या से लेकर अंतिम संस्कार तक अगर इसको पूरी तरीके से समझा जाए तो कौन कौन सी वो चुनौतियां रहीं जिस पर प्रशासन को ज्यादा दो चार होना पड़ा जिसके बाद जो है यहां तक ये पूरा मामला आया और उसके बाद में अब फाइनली पैतृक गाँव में ये जो है डेड बॉडी जाएगी उसके बाद में अंतिम संस्कार होगा, किन चुनौतियों से ज्यादा मुश्किल हुई निपटने में? बिल्कुल आपको बता दूं कि जब सुसाइड का मामला आया था तो उसमें वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो उन्होंने अपने बेटे बेटियों को भेज दिया था ताराचंद ने और उसमें जो यहाँ पर जो मंत्री हैं
महेश जोशी के साथ यहाँ के जो होटल मालिक है, उसके अलावा यहाँ जो मंदिर है जहाँ जिसकी बात की जा रही है उसके पुजारी हैं, उनका आरोप, उन पे आरोप लगाए थे और उन आरोपों को देखते हुए ही उन्होंने कहा था कि ये लोग हैं। तो ऐसे में परिजन और सब मांग कर रहे थे कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। हालांकि दूसरे दिन जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि सांसद महेश जोशी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक जांच हो नहीं हो, कोई प्रताड़ना दी, लेकिन वो जो बाकी मुलजिम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसको लेकर ही उन्होंने यहाँ पर मांग रखी थी कि जो मुलजिम है वो गिरफ्तार किया जाए। तीन जो